हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल एस ब्लॉग। और अभी मॉर्निंग के 7 बजे हुए हैं और मैं जा रहा हूँ जिम। 1 महीना हो गया मुझे लगभग जिम छोड़े हुए, और अभी मैंने सोचा कि यार अब स्टार्ट करते हैं जिम करना, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया। और मैं जैसे मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू रखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ भाई मैं अब जिम भी कंटिन्यू जाऊँ, क्योंकि भाई वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरा पेट भी थोड़ा आ गया है भाई। दिवाली में जो पहला है ना खाना, चिकन विकन, पिज्ज़ा बर्गर मोमो, भाई ये सब जो खाए हैं ना, इससे भाई इतना पेट बढ़ गया ना। मैंने कहा भाई आप फिर से देख, आज चेक करना पड़ेगा कि मेरा वेट कितना है। वेट भी बढ़ गया होगा मुझे जैकेट, क्योंकि भाई ठंड बढ़ चुकी है और भाई जी जैकेट पहनना कंपलसरी हो गया। मेरा मॉन्स्टर वे भाई, 1 महीने से ये भी बोल रहा होगा भाई तू कहाँ था जो मैं खा ही नहीं रहा था भाई। हैं, और मेरे जिम की बोतल, ये रही भाई मेरी बोतल, बढ़िया कैजुआल ये वाला। ऐसा ये बोतल कितनी सही है, मतलब इस पर आप प्रोटीन रख सकते हो। और आपको दिखा रहा हूँ इसमें प्रोटीन, ये भैया प्रोटीन इतना तो ना प्रोटीन ही है भाई, उसको इसमें फिट कर सकते हैं, देख रहे हो मतलब। तो भाई ये रहा मेरा प्रोटीन रेडी, और अब जाने को रेडी रहते हैं। तो भाई ये रही मेरी स्कूटी की चाबी भाई, मेरे स्कूटी की चाबी। भाई अब तो धूप भी आ चुकी है धीरे धीरे, तो अब मिलते हैं सीधे जिम पे। तो दोस्तों हम पहुँच गए जिम और मैं जा रहा हूँ ऊपर भाई। तो दोस्तों मैं बहुत अच्छी हूँ, काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, बहुत सही लग रहा है दोस्तों। अरे मैं भाई 1 किलोमीटर भी नहीं भागा हूँ, लगा है ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ही टफ लग रहा है भाई, क्योंकि बहुत टाइम बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है भाई कि मेरा टारगेट है 1.5 किलोमीटर का। यार मैं 1.5 किलोमीटर 48 मीटर की कंप्लीट हुआ है। कैलोरी देखो फिर 29 कैलोरी हो रही है, 4 मिनट हो गए भाई, स्पीड थोड़ी कम है बट अब इसको कंटिन्यू रखता हूँ, थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ। एक किलोमीटर भाग चुका हूँ, अभी आधा किलोमीटर और, कम से कम 1.5 किलोमीटर भागना है भाई उसका, 1.57 का 1.5 किलोमीटर से ऊपर। देखते हैं कि मेरा वेट कितना रहता है, ठीक है। अभी मैं दौड़ जस्ट अभी आया हूँ ट्रेडमिल में दौड़ करके। मैंने जब शुरुआत में अपना वेट चेक किया तो मेरा वेट आ रहा था 65.800, लेकिन अभी मैंने चेक किया तो दौड़ करके 65.350 या 400 के बीच में। तो वर्कआउट करके इससे फ़ायदा होता है, मतलब देख लो कैलोरी एकदम से ड्रॉप आउट करते तो फिर सही रहता भाई। अभी तक मैंने कर लिया 4 एक्सरसाइज,
और ये जिम का सेकंड वाला फ्लोर है। अभी देखो जिम में कोई भी नहीं है भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ यही होता है, जब जिम में आता हूँ तो बहुत बंदे नहीं आए थे, कोई भी नहीं है, पूरा ऊपर वाला फ्लोर खाली है। अभी तक मैंने 4 एक्सरसाइज कर लिया, भैया ने बोला ये वाला इंक्लाइंड में उसको ये वाला एक्सरसाइज करना है, ये बेंचेस इंक्लाइंड बेंचेस विदाउट वेट, वेट यूज़ नहीं करना क्योंकि आज मेरा पहला दिन है, तो फिर विदाउट वेट मुझे करना है। तो लेट्स सी, अब मैं यहाँ पे व्लॉग कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज इस वाले बेंच पे करना है, इस वाले बेंच पे, वो थोड़ी इंक्लाइन थी और ये इंक्लाइन नहीं है, तो इसके से वही एक्सरसाइज कर लूँगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का व्यू, मतलब ये सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर से बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है, ठीक है। ये आ जाएगा व्यू देख कर, ये देखिए दोस्तों व्यू, ये सेकेंड फ्लोर से देखिए, हालांकि वो धुआं उड़ता हुआ दिखा रहे हैं, पर यहाँ देखना है टॉप फ्लोर से जैसा व्यू लगता है। कुछ मैं आपको जिम के कोड्स दिखाता हूँ, इसमें कौन 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 से कोड्स लिखे हुए हैं। यह लिखा है इट हर्ट्स नाउ बट वन डे इट विल बी योर वार्म अप, ये कोड तो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ते हैं यहाँ पर द रॉक की फोटो लगी है, ऊपर देखते क्या लिखा हुआ है, नथिंग ट्रूली ग्रेट एवर कम फ्रॉम अ कम्फर्ट जोन, ये कोड से मेरे लिए लिखा गया, लग रहा है मेरे जैसे इतने भी लोग हैं उनके लिए लिखा गया, जो कि भाई यहाँ पे सही लिखा है, वन यू फील लाइक क्विटिंग थिंक अबाउट वाई यू स्टार्टेड, सबसे अच्छा लगता है मेरे को यहाँ पे, वन ऑफ द बेस्ट कोट है कि वैन यू फील लाइक क्विटिंग थिंक अबाउट वाई यू स्टार्टेड। ये सारे कोर्स लगे हुए हैं, तो मेरी एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हो चुकी है, एक मेरी एक्सरसाइज और बचती है क्रंचेस, वो हमारा नीचे जाके कर भाई, मज़ा आ गया, मतलब क्रंचेस में भी मज़ा आ गया। तो लास्ट जो एक्सरसाइज मेरी बची थी क्रंचेस, वो भी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं करूँगा भाई प्रोटीन यूज़, समझ रहे हो, मतलब ये प्रोटीन है इस पे। वैसे इसको मैं घर जाके पी सकता था, लेकिन भैया ने बोला है कि जब आप वर्कआउट ख़त्म कर लेते हो, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद भाई इसको मतलब 5 या 10 मिनट के अंदर पी लेनी चाहिए। अब घर पहुंचूंगा, घर मिलने में 10-15 मिनट लग जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इसको यूज डालूंगा, पीऊंगा, तो टाइम टाइम लग जाएगा। तो भैया ने कहा यही लाया कर और 5 या 10 मिनट के अंदर पी लिया कर, चलो फिर पी लेते। अगर इसके टेस्ट की बात करूँ तो वैसे चॉकलेटी फ्लेवर है भाई, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो ऐसा नहीं कि भाई चॉकलेट की तरह है, पूरा बढ़िया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है टेस्ट, पी सकते हैं। मतलब मैं बहुत धीरे धीरे एक्सरसाइज करी, कल करूँगा कंटिन्यू। तो अब मैं जाता हूँ दोस्तों, जिम से आने के बाद मैंने नहा लिया है और अब करता हूँ नाश्ता और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपको। तो दोस्तों ये है मेरा भाई पीनट बटर, जो अभी तक मैंने खोला भी नहीं है। ये है भाई पीनट बटर, वैसे तो भाई इसको खाते हैं ब्राउन ब्रेड के साथ, लेकिन भाई तुम्हारा भाई रोटी के साथ खाएगा, क्योंकि भाई ये तो है अमीरों के चोचले कि ब्राउन ब्रेड के साथ खाओ, क्या बात हुई, ब्राउन ब्रेड के साथ ही खाना है। हाँ यार, वैसे इसमें ब्राउन ब्रेड का ही बना हुआ है कि ब्राउन ब्रेड के ऊपर लगाया रखा है इसको। दोस्तों गौरव भी आ चुका है, हो गया काम, हाँ भाई हो गया। भाई एक बात बता, इसमें ये पीनट बटर है जो अपना, इसको बोला है कि भाई ये ब्राउन ब्रेड के साथ ही खाना है, ऐसा कोई जरूरी है नहीं भाई, किसी के साथ भी खा सकते हैं, और नहीं तो क्या भाई, ये सारे मर्जी है। ये भाई अमीरों के चोचले हैं, अमीरों के चोचले हैं भाई, अपने लोग तो इसको चपाती के साथ ही खाएंगे।
इतना महंगा जो लेगा वो रोटी के साथ तो खाएगा नहीं, ब्रेड के ही साथ खाएगा, तभी उसमें ब्रेड बनाया। लाए मैं अमीरों की लिस्ट में आ रहा हूँ हाँ मिली है तू, जो जो ये लाए। नवाब है तू, नवाब वो नवाब है तू भाई, भाई इसकी स्मेल बहुत सही है यार भाई, देखता है टेस्ट नवाब है करके। तो तू। दोस्तों फिर मैंने ये अपने लिए ऑमलेट बनाया तो पीनट बटर के साथ अब मैं खाऊंगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, और क्योंकि दोस्तों हेल्थ के साथ, हेल्थ के लिए कोई भी तुम वो नहीं कर सकते, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ की जो कदर नहीं करेगा फिर हेल्थ उसकी कदर नहीं करेगी, बीमारियां लग जाएंगी। सुबह का नाश्ता स्किप कर दो, 10-10, 11-11 बजे तक खाते हो। नहीं दोस्तों तुम्हें टाइम पे खाना है, तू कितने क्योंकि बजे खा रहा है वो भी तो दिखा। दोस्तों मैं, मेरी व्यवस्था है, मैं बिजी आदमी हूँ, बिजनेस का ही मैं संभालना पड़ता है, तब जाके मैं 11:30 बजे खा रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं सही नाश्ता प्रचुर अमाउंट में, बिल्कुल जो सही अमाउंट है उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं ये खाता हूँ, फिर उसके तो बाद मिलते हैं। दोस्तों मेरे साथ है यहाँ पर द वन एंड ओनली सक्षम टुमटा, ये रहता है बेरीनाग में। बहुत ठंडा हो रहा है हाँ फिलहाल, अभी और होगा अभी और होगा। बिकॉज ऑफ बर्फ पड़ने वाली होगी, अभी नहीं पड़ी थी पर ठंडा हो रहा। अच्छा, अरे यस मैं यस ये पूछ रहा था कि भाई उस दिन जो मैच देखा, वो वाला मैच वाला ब्लॉग देखा यस, बहुत है तगड़ा ब्लॉग, मजे आ गए। ₹50 कट ओवर एक्टिंग की वजह से। और मैं भाई अभी मैं पूछ रहा था, विराट कोहली का तगड़ा फैन ये है, ठीक है, अपने यस लोग इतने बड़े फैन नहीं थे पर ठीक थे, पर विराट कोहली ने मैच दिखाया, जिताया, तो बहुत ही खुश हो गया होगा उस दिन। तो ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो, कि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो ठीक है, बाय।